अभी हम आवाज देंगे, तुम साबित करना। छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ बहाल करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र संघ बहाल करो। बात कर रहा हूँ, उसको सुन लो कि अगर यूनिवर्सिटी ने दबाव बनाने के लिए एक भी बच्चे पे या पुलिस और प्रशासन सरकार के लोगों ने मुकदमा किया या उनका हरेसमेंट किया तो सारे काम छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक यूनिवर्सिटी और प्रशासन के लोग जब तक उन लोगों से अपने भाइयों के अधिकार छीन नहीं लेता। मैं एक छात्र हूँ, छात्र जीवन से निकल के आया हूँ, छात्रों की पीड़ा को समझता हूँ। जहाँ नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको अवसर मिलने चाहिए थे बिजनेस करने के, आगे बढ़ने के, वहाँ नौजवान को लाठी मारते हो और 425 दिन से आंदोलन चला हुआ है और चुप बैठे हो। नौजवान इस देश का भविष्य है, इस देश की रीढ़ है। अगर नौजवान को तोड़ोगे तो देश कमजोर पड़ जाएगा। तुम्हें समझना चाहिए और हैसियत में रहो।